नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज माने कि ल्यूकोरिया के बारे में। सो दोस्तों, हम काफ़ी दिनों से ये बात को छुपाते रहते हैं क्योंकि कुछ ऐसी अपने प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड काफ़ी बातें रहती है जो हम किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन आज हम यह लेक्चर बिना किसी हेजिटेशन से देखेंगे और बिना किसी हेजिटेशन से आप इसी लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिए। हम इस ल्यूकोरिया के बारे में उसके डिफिनेशन से लेकर तो उसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट तक बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं देखने की बात बता रहा हूँ उसमें क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे उसकी डिफिनेशन के बारे में, फिर देखेंगे उसके टाइप्स के बारे में, फिर देखेंगे उसके कॉजेस के बारे में, फिर देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, फिर देखेंगे तो डायग्नोसिस के बारे में, फिर बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और लास्ट में बात करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट का। तो अब बात करेंगे दोस्तों ल्यूकोरिया की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन बताते हैं हम इस तरह से कि डेफिनेशन में लिया है कि इट इज अ फ्लो ऑफ अ व्हाइटिश येलोविश और ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम दी वजाइना। मतलब ऐसा है कि एक नॉर्मल फ्लो है, मतलब ये ल्यूकोरिया कोई भी तरह का डिसीज नहीं है, लेकिन क्या होता है नॉर्मली वजाइना से ग्रीनिश व्हाइटिश या फिर येलोविश कलर का क्या होता है फ्लो होता है। लेकिन अगर कोई तरह का इन्फेक्शन अगर हो जाए वजाइनल एरिया में तब क्या होगा, ये फ्लो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाता है, और जब एक्सेस अमाउंट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है उसी को कहते हैं दोस्तों ल्यूकोरिया। अब बात करेंगे इसमें कि ये जो फ्लो है वो कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है, ये अपने को देखने को मिलता है सच डिस्चार्ज में ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहाँ से, सबसे पहला वजाइना से देखने को मिल सकता है, सेकेंड नंबर ओवरी से देखने को मिल सकता है, थर्ड नंबर पर फैलोपियन ट्यूब से देखने को मिलता है, एंड लास्ट में अपने को ये डिस्चार्ज देखने को मिलेगा किससे, लास्ट में दिया हुआ है सर्विक्स से। जी हाँ दोस्तों, अगर सर्विक्स में कोई तरह का इन्फेक्शन या कोई तरह का अगर इन्फ्लेमेशन आ गया तो वहां से भी अपने को डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर ल्यूकोरिया मतलब व्हाइट डिस्चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब उसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि इट इज नॉन पुरुलेंट, मतलब क्या होगा कि यह व्हाइट डिस्चार्ज एक्सेस अमाउंट में निकलने के बावजूद भी कोई भी तरह का पस फॉर्मेशन वजाइनल एरिया में नहीं करवाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं कि नेवर कॉजेस प्लूराइटिस। जी हाँ दोस्तों, यह पस मतलब यह जो डिस्चार्ज निकलने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी तरह की इचिंग अपने को देखने को नहीं मिलेगी वजाइनल एरिया में। थर्ड नंबर की बात करते हैं परसिस्टेंट वल्वर मॉइस्चर। जी हाँ दोस्तों, ये जब वजाइनल डिस्चार्ज निकलेगा एट दैट टाइम वहाँ पर वजाइनल एरिया में स्टेनिंग, मतलब वहाँ पर कैसा मॉइस्चर एरिया रहेगा, पूरा मॉइस्ट वहाँ पर एरिया रहेगा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं इट इज ए नॉन ऑफेंसिव। नॉन ऑफेंसिव का मतलब ऐसा होगा दोस्तों कि वहाँ पर वो वजाइनल डिस्चार्ज होने के बावजूद भी कोई भी तरह की उस डिस्चार्ज में से कोई भी तरह की बैड स्मेल अपने को देखने को नहीं मिलेगी, तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज होती है। तो मैं बात करूंगा दोस्तों ल्यूकोरिया के कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस इस प्रकार से हो गए, इट इज मोस्टली ऑकर ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, महिला में जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका अगर लेवल बढ़ जाए, उसका लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है दोस्तों व्हाइट डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है, और व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ने की वजह से यह कंडीशन किस किस कंडीशन में देखी जाएगी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। या दोस्तों प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन एकदम से बढ़ जाता है, एट दैट टाइम क्या होता है व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ने के चांसेस रहेंगे। फिर बात करेंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंडीशन में क्या होगा, ओवुलेशन के टाइम में एस्ट्रोजन लेवल एकदम से बढ़ जाता है, उस वक्त भी व्हाइट डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम में भी क्या होता है एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, उस वक्त क्या होता है वहाँ पर भी व्हाइट डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। जी हाँ दोस्तों, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कंडीशन में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, उस वक्त भी अपने को देखने को मिलता है व्हाइट डिस्चार्ज एकदम ज़्यादा। एबनॉर्मलिटी इन सर्विक्स एंड वजाइना। जी हाँ दोस्तों, वजाइना में और सर्विक्स में कोई भी तरह का एबनॉर्मलिटी, कोई भी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है उस वक्त भी अपने को क्या होगा, उस वक्त भी अपने को देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा क्या, व्हाइट डिस्चार्ज। तो अब बात करेंगे ल्यूकोरिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, इट इज इंस्पेक्शियल वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब ऐसा दोस्तों अगर ये व्हाइट डिस्चार्ज जो है वजाइनल, ये अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा एट दैट टाइम क्या होगा दोस्तों वहाँ पर अपने को देखने को मिलेंगे कुछ सिम्टम्स, वो ऐसे रहेंगे कि वो डिस्चार्ज पुरुलेंट रहेगा, मतलब कैसा होगा कि वो वहाँ से पस फॉर्मेशन होगा एंड वो रहेगा ऑफेंसिव। जी हाँ दोस्तों, उसकी एकदम बैड स्मेल रहेगी। एंड बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो वो थर्ड नंबर ऐसा है कि वहाँ पे वो कैसा रहेगा, इचिंग वाला रहेगा, वहाँ पे इच अपने को देखने को मिलेगी। लेकिन ये जब भी मैं बात किया तो वहाँ पर नॉन ऑफेंसिव था, नॉन पुरुलेंट था, क्यों, क्योंकि वो वजाइनल डिस्चार्ज था,
लेकिन वो डिस्चार्ज कैसा था? नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज था। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों इन्फेक्शियस डिस्चार्ज की, तो इन्फेक्शियस डिस्चार्ज में वो कैसा, एकदम ऑर्डर स्मेल भी हो सकती है एंड वहाँ से परस्पिरेशन भी हो सकता है और उस वजह से वजाइनल एरिया में इचिंग भी देखने को मिल सकती है। फिर मैं बात करूँगा दोस्तों यहाँ पर व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, सिम्टम्स ल्यूकोरिया का सिम्टम्स व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, लेथार्जी जिया दोस्तों एकदम वीकनेस देखने को मिलेगी वहाँ पर। एंड बात करेंगे चौथे नंबर पर लंबर एंड बैक पेन, जिया दोस्तों लंबर एरिया में पेन देखने को मिलेगा एंड बैक पेन पीछे वाला जो बैक पेन वहाँ पर बैक पेन भी देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे ब्लैक पैचेस अराउंड दी आई, जी हाँ दोस्तों आंखों के नीचे अपने को झुर्रियां देखने को मिलेगी पूरी तरह से। बात करेंगे दोस्तों इचिंग में और मे नॉट, जी हाँ दोस्तों फिर बात करते हैं यहाँ पर इचिंग हो भी सकती है या इचिंग अब्सेंट भी रह सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखने को मिलता है। एंड बात करें कॉन्स्टिपेशन, जी हाँ दोस्तों पेशेंट को वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या देखने को मिलेगी। एंड लास्ट में मॉइस्ट एरिया अराउंड दी वजाइना, जी हाँ दोस्तों वजाइना का आजू बाजू का जो वल्वर एरिया रहेगा पूरी तरह से मॉइस्ट रहेगा और वहाँ पर स्टेन मतलब चिपचिपाहट देखने को मिलेगी। तो अब बात करेंगे दोस्तों ल्यूकोरिया के डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में सबसे पहले पेशेंट को पूछा जाएगा यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या दोस्तों अगर कोई तरह का कॉन्ट्रासेप्शन यूज अगर कर रही होंगी या सेक्सुअल पिल्स खाई होगी तो उस वजह से अपने को व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर के बाद सिम्टम्स क्या होगा, उसके सिम्टम्स पूछना पड़ेगा किस तरह के उसको लक्षण देखने को मिल रहे हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ द डिस्चार्ज, या दोस्तों ये डिस्चार्ज कब कितने दिनों से आ रहा है वो पूछना पड़ेगा। फिर बात करेंगे दोस्तों इंस्पेक्शन ऑफ द वल्वा, उसके वल्वा वजाइनल एरिया का अपन इंस्पेक्शन करेंगे कि वहाँ पर कोई तरह का वो फ्लूड का एग्जामिनेशन करने के लिए देखना पड़ेगा कोई तरह का फ्लूड इन्फेक्शन तो नहीं है, नॉर्मल तो नहीं है। फिर बात करेंगे दोस्तों स्पेकुलम एग्जामिनेशन, स्पेकुलम एग्जामिनेशन से वो सर्वाइकल एरिया में कोई भी अगर तो फॉरन बॉडी होगी उसका अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर बात करेंगे बायोमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, जी हाँ दोस्तों बायोमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन से हम एग्जामिन करेंगे उसके वजाइनल एरिया का, उसके सर्विक्स एरिया का, वहाँ पर देखेंगे कोई भी तरह के फॉरेन बॉडी तो है नहीं, उसका हम वहाँ पर डिटेक्शन करने को बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट में पैप्समियर की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पैप्समियर से ही पता लगा सकते हैं, बाद में PCR की टेस्ट होती है उससे कर सकते हैं, पॉलीमर चैन रिएक्शन जिसे बोलते हैं। फिर बात करें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जी हाँ दोस्तों यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी से ही पता लगाया जा सकता है। और लास्ट में दिया हुआ है यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, जी हाँ दोस्तों यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी के थ्रू अपन भी पता लगा सकते हैं कि ये व्हाइट डिस्चार्ज आखिर इन्फेक्शियस है कि नॉर्मल है कि एक्सेस अमाउंट में क्यों हो रहा है इसका पता लगा सकते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों ल्यूकोरिया मतलब व्हाइट डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहली बात दी हुई दोस्तों इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ, जी हाँ दोस्तों अगर किसी लेडी को एक्सेस अमाउंट पे व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसने सबसे पहले क्या करना चाहिए, जनरल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मतलब अपने वीकनेस को दूर करना चाहिए। सेकेंड नंबर पर सर्वाइकल एक्टोपी, मतलब दोस्तों अगर कोई कंडीशन में किसी लेडी को सर्वाइकल एक्टोपी की प्रॉब्लम होगी तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलकर उन्हें कम से कम क्रायो सर्जरी का प्लान कर देना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करेंगे कि ल्यूकोरिया कॉज ड्यू टू पेल्विक लेसन, जी हाँ दोस्तों पेल्विक रीजन मतलब वजाइनल या सर्वाइकल रीजन में अगर कोई तरह का घाव हो गया होगा जिस वजह से अपने को व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, एट दैट टाइम उन्हें उसी की पैथोलॉजी के हिसाब से डॉक्टर को मिलकर उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। फोर्थ नंबर की बात करके पिल यूजर स्टॉप द पिल इमीडिएटली, जी हाँ दोस्तों अगर कोई पिल यूजर्स हो गए तो उन्हें अपनी ये व्हाइट डिस्चार्ज की कंडीशन को देखते हुए पिल को स्टॉप कर देना चाहिए। एंड फिफ्थ नंबर की बात करके मेंटेन लोकल हाइजीन, जी हाँ दोस्तों वह अपना जेनिटल एरिया मतलब प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है वहाँ पर जेनिटल एरिया जो रहता है वहाँ पर लोकल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक लोकल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तब तक ये कंडीशन अपने को बार बार देखने को मिलेगी। तो बात करेंगे दोस्तों वजाइनल डिस्चार्ज मनी ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट के बारे में बोलने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इट इज मोस्टली ऑकर ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, जी हाँ दोस्तों बात किए थे कि वजाइनल डिस्चार्ज कैसा है इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से जब होता है तो यहाँ पर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन दो तरह के ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जी हाँ दोस्तों मैं ट्रीटमेंट जो बता रहा हूँ ये सामान्य ट्रीटमेंट है, ये आप अप्लाई मत कीजिए प्लीज, अगर आपको हो रहा होगा अगर प्रॉब्लम होगी व्हाइट डिस्चार्ज की अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करिए। तो मैं सामान्य ट्रीटमेंट के तौर पर आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन डॉक्टर सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है, जी हाँ दोस्तों दो तरह की मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे, एक एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन और एक एंटीफंगल मेडिकेशन। जब तो एंटीबैक्टीरियल की तौर पर यहाँ पर सजेस्ट करते हैं डॉक्टर वो होते हैं मेट्रोनिडाजोल 400 mg
एंड सिपेक्जिम 200 mg। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन डॉक्टर उसको अप्लाई करते हैं, तो मैं डोजेस भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन ही रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर डोजेस नहीं लिखा हूँ। एंड देन सेकंड नंबर की बात करके एंटीफंगल मेडिकेशन में, एंटीफंगल मेडिकेशन भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं साथ में एंटीबैक्टीरियल के साथ ही। उसमें फ्लुकोनाजोल की टेबलेट आती है 150 mg की, फ्लुकोनाजोल की टेबलेट। एंड साथ में बात करेंगे कोट्रीमेजोल का वजाइनल टेबलेट आती है। जी हाँ दोस्तों, इसको पर वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, वजाइनल कोट्रीमेजोल की टेबलेट जो होती है लास्ट में, इसको पर वजाइना इंसर्ट किया जाता है रात में सोते वक्त, सिर्फ एक ही टेबलेट को इंसर्ट किया जाता है। एंड एकदम ज़्यादा कंडीशन होगी तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर का मतलब नॉलेज, डॉक्टर के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो उसका डोज बढ़ाया जाता है। तो बात करेंगे एंटीफंगल मेडिकेशन में फ्लुकोनाजोल का टेबलेट रहता है। जी हाँ दोस्तों, फ्लुकोनाजोल का टेबलेट 150 mg का रहता है, यह डॉक्टर मतलब कंडीशन के हिसाब से उसका डोज बढ़ाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने ल्यूकोरिया मतलब सफ़ेद पानी मतलब वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, वाइट डिस्चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो इसको, इसके कॉजेज, सिम्टम्स के साथ ट्रीटमेंट भी बताया दोस्तों। ट्रीटमेंट को आप फॉलो कीजिए लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों सभी का एज, हाइट और वेट अलग अलग होता है, उस मान से ट्रीटमेंट भी प्रिस्क्राइब अलग अलग किया जाता है, उनके डोजेस अलग अलग होते हैं। माना कि ट्रीटमेंट में आपका एंटीबायोटिक यही रहेगा, लेकिन बात करेंगे दोस्तों उनके ट्रीटमेंट के डोजेस की, तो डोजेस अलग अलग पाए जाते हैं। इस तरह से हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो लेक्चर अच्छा होगा देखो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बने रहिए दोस्तों केयर टेकर डॉक्टर पीके के साथ, क्योंकि केयर टेकर डॉक्टर पीके ही आपके सेहत का ध्यान रखेगा।